आज हम मिनटों में तैयार होने वाला रेसिपी बनाने वाले हैं चीजी स्टफ बंस। हेलो फ्रेंड्स, मैं निक्की जैन आपका शॉर्टकट किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी बनाएंगे जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और विदाउट पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे इसे, और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है क्योंकि हम इसमें पनीर और चीज़ का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए आप और हम मिलकर बनाते हैं रेसिपी। इसकी फिलिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक खाली बॉल लेना है। ये मैंने एक गाजर लिया है ग्रेट करके, एक शिमला मिर्च है मैंने बारीक काट लिया है, थोड़े से स्वीट कॉर्न मैंने बॉईल कर लिए हैं, आप ये फ्रोजन कॉर्न भी ले सकते हैं। ये पनीर है 100 ग्राम के करीब, इसे मैंने ग्रेट किया है, आप चाहो तो इसे ग्रेट नहीं करके चूर भी सकते हो हाथ से। ये मैंने एक प्याज लिया है बारीक काट कर, ये 100 ग्राम के करीब मैंने चीज़ लिया है, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे एक एक करके इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पनीर बहुत ही हेल्दी होता है तो जितना ज़्यादा बच्चे खाएं उतना अच्छा है, और चीज़ भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐड करेंगे नमक, मैंने 1/2 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से करें। चीज़ में भी नमक होता है तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये मैं यहाँ पे 2 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ करूँगी, ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं बनाना है तो आप रेगुलर टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम इसमें 2 टीस्पून ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच अब हम इसमें काली मिर्च का यूज़ करेंगे, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा मिर्ची कम डालें, 1/4 चम्मच ऑरिगेनो, आप चाहो तो रेगुलर सीजनिंग भी डाल सकते हो, इटालियन कोई भी सीजनिंग इसमें डाल सकते हो। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए कितना अच्छा कलरफुल है, आप देख सकते हैं। बनाएंगे इसके लिए गार्लिक बटर, अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप नॉर्मल बटर में मसाला मिलाइए तो भी हो जाएगा, आप गार्लिक अवॉइड कर सकते हैं। ये थोड़ा कटा हुआ धनिया पत्ता, बिल्कुल बारीक आपको इसको काट लेना है धोकर अच्छे से, हरी सब्जियां हमें अच्छे से धोनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच ऑरिगेनो का, 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स का, करेंगे बटर, ये होममेड बटर है, अगर आपको जानना है ये घर पर कैसे आसानी से बन जाता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक चेक कर लें। ये अच्छे से मिक्स कर लेना है तो ये हमारा गार्लिक बटर रेडी हो जाएगा। गार्लिक बटर रेडी हो गया है, आप गार्लिक नहीं डालोगे तो इस तरह का मसाला बटर प्लेन आप बना सकते हो। अब इस तरह का हमें पाव लेना है जो बाजार में मिल जाता है, और इसके हमें कट्स लगाने हैं, कोई भी आप तेज़ धार वाले चक्कू लें, ये इस तरह से हम इसको काट लेंगे, ये 2 कट हम इधर लगाएंगे और 2 कट इधर लगाएंगे, ये नॉर्मल पाव वाला ब्रेड है, देखिए ये इस तरह से कट हो जाएगा, इसमें फिलिंग हमारी भर जाएगी। इस तरह से मैंने और भी ब्रेड काट कर तैयार रखे हैं, आप चाहो तो इस तरह का शेप भी काट सकते हो, ये आपकी चॉइस है। हम इसमें फिलिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा हमें मसाला डालना है, जहाँ पर हमने कट लगाया है ये 2 बार उधर, थोड़ा आपको इसमें हाथ का यूज़ करना पड़ेगा और थोड़ा इधर। इस तरह से आप सारा अपना पाव को भर लेंगे और इस तरह से प्रेस कर देंगे, देखिए कितना अच्छा शेप आ रहा है। इस तरह से हमें ये सारे अपने भर लेने हैं। हमने जो प्लस में काटा था मैं इसमें भी आपको फिलिंग करके दिखा देती हूँ। इसमें हमें 2 ही जगह फिल करना है, उसमें हमें 4 जगह फिल करना है, तो आपको जो इजी पड़े आप वो बना सकते हैं। अब आप चाहो तो इसे माइक्रोवेव करके खा सकते हो, माइक्रोवेव नहीं है तो आप कढ़ाई में भी इसे बेक करके 2 से 5 मिनट कढ़ाई में अच्छे से कम पर बेक करना है, 5 मिनट तो लगेंगी फिर इसे आप खा सकते हैं। आज हम इसे बनाने वाले हैं पैन में, पैन में हमने बटर पेपर लगाया है, ये होममेड बटर पेपर है, इसको कैसे बनाना है इसका भी लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसमें हमने थोड़ी सी ऑयलिंग और कर ली है और हम गैस कम पर ऑन कर देंगे, बस ऐसे प्रेस करेंगे और फिर हम इसे 1 बाय 1 इस पर प्लेस कर देंगे।
हमें इसे कम पर ही ढककर बेक करना है, जिससे कि चीज़ वगैरह अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसे प्लेस कर देंगे और हम इसके ऊपर लगाएंगे गार्लिक बटर। इस तरह से हम इस पर थोड़ा थोड़ा गार्लिक बटर छोड़ देंगे ऊपर, ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बच्चे तो इसको इतना पसंद करते हैं। इस तरह से हमें इस पर ये थोड़ा थोड़ा गार्लिक बटर डाल देना है और अब हम इसे कोई चीज़ से ढक देंगे 5 मिनट तक। आपके पास लीड है तो आप उससे ढक दें, नहीं तो कोई भी इस तरह का बर्तन घर का हो उससे भी आप इसे ढक कर 5 मिनट तक इसे आप बेक कर सकते हैं। मिनट्स हो गए हैं, अब हम इस लीड को हटा देंगे, देखते हैं हमारा कैसा बनकर तैयार हुआ है। वाओ, देखिए कितना अच्छा बनकर ये तैयार हुआ है। अब हम इसे प्लेटिंग कर देंगे, ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये अच्छे से आप देख सकते हैं क्रिस्पी हो गया है, हम गैस बंद कर देंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा क्रिस्पी पिज़्ज़ा बंस तैयार हो गया है। आप इसे 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना करें, ये बहुत अच्छा क्रिस्पी हो गया है। आप इसे चेक कर लें, देखिए बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बना है। तो आप लोग इसे ज़रूर से बनाकर ट्राई करें और अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।